मोदी सरकार के तीसरी कार्यकाल का आज पहला बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त मंत्री के रूप में लगातार सातवीं बार बजट पेश किया है। इस बजट में भारतीय रेलवे को क्या मिला, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com, मैं सचिन शर्मा। इस साल के अंतरिम बजट में रेलवे पर विशेष ध्यान दिया गया है। विशेष ध्यान इसलिए क्योंकि इस साल पिछले साल के मुकाबले 15,000 करोड़ रुपए ज्यादा आवंटित किए गए हैं। इस साल रेलवे को 2,55,000 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। इस रकम से रेलवे के 3 नए कॉरिडोर और 40,000 पुराने डिब्बे को वंदे भारत ट्रेन के सुविधाजनक कोच में बदला जाएगा। आइए 9 पॉइंट में समझते हैं कहां और कितना आवंटन बढ़ा है। पहला, अंतरिम बजट में रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणा क्या है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि देश में 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनमें से एक कॉरिडोर एनर्जी, मिनरल और सीमेंट का होगा, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और तीसरा हाई स्पीड डेंसिटी कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट को पीएम गति शक्ति योजना में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। इससे न केवल लॉजिस्टिक्स क्षमता बढ़ेगी बल्कि लागत में भी कमी आएगी। अब दूसरा बात करते हैं, अंतरिम बजट में रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणा क्या हुई है। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से आम जनता को भी फायदा होगा। अभी एक ही रेलवे लाइन पर पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन का ऑपरेशन होता है। रेलवे की आमदनी का मुख्य जरिया मालगाड़ी है, जबकि पैसेंजर ट्रेन में देश के माननीय चलते हैं, इसलिए दोनों को समय से चलाना जरूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसलिए रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाकर मालगाड़ी के ऑपरेशन को बेहतर किया। अब 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात है। इससे जिन रेल रूट पर ट्रेनों का बहुत अधिक ट्रैफिक है वहां पर ट्रैफिक लोड कम होगा, जिससे यात्री ट्रेनों की संख्या और स्पीड बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ट्रेनों की संख्या बढ़ने से यात्रियों का सफर सुहाना होगा और अधिक यात्री सफर कर सकेंगे। माना जा रहा है कि इन 3 कॉरिडोर से देश की GDP ग्रोथ बढ़ेगी और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी। तीसरा पॉइंट है, क्या गाड़ियां समय पर चलेंगी। रेलवे के रिटायर्ड मेंबर ट्रैफिक श्री प्रकाश का कहना है कि 3 नए आर्थिक कॉरिडोर बनने से कई तरह के फायदे सामने आएंगे। इसमें जब माल ढुलाई के लिए अलग अलग स्तर पर 3 कॉरिडोर देश को और मिल जाएंगे, तब दूसरी तरफ इसका बड़ा फायदा यात्री ट्रेनों की संख्या और स्पीड बढ़ने के रूप में भी मिलेगा। जब गाड़ियों को रास्ता मिलेगा तो गाड़ियां समय से चलाने में मदद मिलेगी। चौथा पॉइंट है कि वित्त मंत्री ने वंदे भारत ट्रेन के लिए क्या घोषणा की। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रेनों के 40,000 सामान्य कोच को वंदे भारत ट्रेनों के मानकों जैसे कन्वर्ट करने की घोषणा की है। इससे जाहिर है कि यात्रियों की सुविधा का ख्याल किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों और माल ढुलाई के लिए रेलवे ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और हाई स्पीड ट्रेक बिछाने के साथ ही यात्रियों को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी। इससे ट्रेनों में टिकटों के लिए होने वाली मारामारी भविष्य में पूरी तरह से खत्म नहीं भी होगी तो काफ़ी हद तक कम जरूर होगी। साथ ही देश में आने वाले समय में वंदे भारत ट्रेनों की अधिक से अधिक सेवाएं ली जा सकेंगी। पांचवा पॉइंट है, इस बार बजट में रेलवे को पिछले साल से कितने ज़्यादा पैसे मिले। तो साल 2021 का बजट रेलवे के लिए ऐतिहासिक था। उस साल पहली बार रेलवे को बजट से 1,00,000 करोड़ से अधिक रकम आवंटित की गई थी। इसके बाद से हर साल लगातार रेलवे का बजट आवंटन 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक ही रहा है। साल 2022 के बजट में यह बढ़कर 1,40,000 करोड़ हुआ तो 2023 में यह 2,40,000 करोड़ रहा। इस बार रेलवे को 2,55,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि 15,000 करोड़ रुपए अधिक हैं। छठवां पॉइंट है कि बजट में दिल्ली की रेल सुविधाओं के लिए कितनी रकम मिली है। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली में रेलवे के विकास के लिए 2,577 करोड़ रुपए का बजट दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि दिल्ली में रेलवे को पहले की सरकार की तुलना में 25 गुना ज्यादा फंड दिया गया है। मंत्री का कहना है कि UPA सरकार के दौरान 2009 और 2014 के बीच औसतन केवल 96 करोड़ का बजट था, इसमें अब बहुत बड़ा इजाफा हुआ है ताकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विकास किया जा सके। सातवां पॉइंट है, इस बजट में आवंटन से दिल्ली में क्या क्या बनेगा। जानकारी के अनुसार बजट में दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के विस्तार की घोषणा की गई है। इसके अलावा दिल्ली से अलवर के बीच 104 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। दिल्ली सहारनपुर बाईपास के बीच 175 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जाएगा। इसके अलावा नई दिल्ली से तिलक ब्रिज के बीच 5वीं और 6ठी लाइन बिछाई जाएगी। यह लाइन 2.65 किलोमीटर की होगी। दिल्ली सब्जी मंडी और दिल्ली मेन के बीच अतिरिक्त लाइन बिछाए जाने की भी योजना है। आठवां पॉइंट है, रेलवे से जुड़े बजट में मुंबई करों को क्या मिला।
तो बजट पेश होने के बाद रेलवे ने जो पिंक बुक रिलीज की है उसके मुताबिक मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी कि MUTP के लिए 789 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। MUTP के लिए केंद्र सरकार द्वारा जितनी राशि का आवंटन होता है उतनी ही राज्य सरकार को देना होता है, यानी मुंबई लोकल के लिए कुल 1578 करोड़ खर्च किए जाएंगे। गौरतलब है कि ये अंतरिम बजट में दी गई राशि है, चुनाव के बाद नई सरकार द्वारा शेष बजट पेश किया जाएगा। पिछले बजट में MUTP के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1105 करोड़ रुपए आवंटन हुआ था। मुंबई करों को यात्री सुविधा के रूप में क्या मिला, इस पर भी फोकस करते हैं। तो रेलवे ने इस बार मुंबई में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए साथ ही मौजूदा रेल ओवर ब्रिज का काम पूरा करने के लिए ठीक ठाक राशि का प्रस्ताव किया है। पश्चिम रेलवे को सड़क सुरक्षा के लिए 1196 करोड़ रुपए का बजट में प्रस्ताव है। इसमें से प्रभा देवी दादर और बिरार बैतरड़ा रोड ओवर ब्रिज को दोबारा बनाया जाना है। मध्य रेलवे को सड़क सुरक्षा के लिए 756 करोड़ राशि का बजट में प्रस्ताव है। इसमें बिक्रोली और दीवा रेल ओवर ब्रिज और दीवा वसई दीवा पनवेल लाइन पर ROB का प्रस्ताव है। यात्री सुविधाओं के लिए बजट में पश्चिमी रेलवे के लिए 1135 करोड़ रुपए और मध्य रेलवे के लिए 1022 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इनमें स्टेशनों पर एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, प्लेटफार्म रूफ और फुट ओवर ब्रिज के काम होने हैं। बजट में महाराष्ट्र की रेलवे परियोजनाओं के लिए करीब 15,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। तो केंद्र सरकार के इस बजट को आप किस रूप में देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।